मैं हूँ डाबा स्टेशन पे और गत दिनों जो महंगाई राहत कैंप के दौरान ढाबा स्टेशन में जो ग्रामीणों की समस्याएं थी, खासकर बिजली से संबंधित समस्याएं थी, उसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी रोष था और हाथों हाथ उस समस्या का हल हुआ और आज यहाँ स्टेशन के जो सारे ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो धन्यवाद कर रहे हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू का कि किस तरीके से त्वरित गति से ये ठीक करवाई। विनोद जी, हाँ जी, ये सिद्धू साहब है जी, डॉक्टर विजेंद्र साहब, इन्होंने हमारा लाइट का बहुत बढ़िया काम करवाया। 6 महीनों से हम तो बहुत परेशान थे और इन्होंने हमें आज इन्वाइट किया है, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। हमारी इन्होंने सुनी है आपका, ये बताइए भी आपकी समस्या हल हुई कि नहीं हुई? हल हुई, हल हुई, आधा हल हुई है। ठीक है, एकदम ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, अब पहले हमने सरपंच से कोशिश की, एसडीएम से की, हमारा कोई मसला नहीं हुआ। सिद्धू साहब ने आके 2 मिनट में हमारा मसला एकदम। हाँ, उस दिन मैंने देखा आपके काफी दिक्कतें थी, आप धरना देने की भी सोच रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हम तो परेशान थे, करें क्या। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास कोई चारा नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, किस तरीके की लाइट की पहले दिक्कतें थी और किस तरीके से अभी आपको राहत मिल रही है? बहुत बहुत लाइट चली जाती है। ठीक है जी, हाँ जी, वगैरह कट नहीं लगता जी, बिल्कुल। तो और कुछ कहना चाहेंगे और कोई समस्याएं वगैरह? धन्यवाद है जी, हमारा तो कर दिया यार, और पानी वाला इनको कह दिया। नहीं जी, इसमें मेरा धन्यवाद नहीं है, इसमें राहत देना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद है, जो पूरी जनता को राहत दे रहे हैं, महंगाई से राहत दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं और आम जन को 25 लाख का चिरंजीवी बीमा दे रहे हैं। हम तो एक बीच में क्या है ना, माध्यम है, आपकी आवाज़ एक सक्षम स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो जो आपको निवारण मिला था वो एक अस्थायी निवारण था, जिसके लिए, लेकिन उसके बाद जब मैं जयपुर गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी और संबंधित जितने सक्षम अधिकारी थे उनसे सबसे बातचीत की, तो अब सबके लिए खुशी की बात है कि वो हमारा जो वर्क ऑर्डर है जो RDSS योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपया जो ढाबा के लिए पास भी हो गया है, जिसके वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए हैं, वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है, तो ये आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। और पूरे जिले को इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने 39 करोड़ रुपया सेंक्शन किया है, जिसके अंदर इस प्रकार फीडर के तहत ढाणियों को भी जोड़ा जाएगा और फीडर सुधार कार्यक्रम भी चलेगा। तो ढाबा के साथ अन्य गांवों को भी, अन्य गांवों को भी, शापिनी में भी लाभ होगा, हरिपुरा में, जहां जहां जो जो समस्याएं थी तो वो सब जगहों पे उन समस्याओं का राज्य सरकार के द्वारा निवारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की यही उद्देश्य है कि योजना का लाभ अंतिम छोर में बैठे हुए एक सिंगल व्यक्ति तक, जिस तक कोई नहीं पहुंच पाता, उस तक सरकार पहुंचे और उसकी मदद करे। ये जो ग्रामीण हैं यहाँ खड़े हैं ढाबा स्टेशन के, 4-5 दिन पहले काफ़ी रोष था कि ये ढाणियों की अनदेखी हो रही है और अभी ये सब गदगद नज़र आ रहे हैं। एक उपेक्षित से एरिए की एक बड़ी अच्छी सुनवाई हो गई है और आज यहाँ इन्होंने इनको बुलवा के स्वागत किया है और अन्य जो समस्याएं हैं वो भी रखी है और डॉक्टर साहब के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि उन बातों पर भी गौर किया जाएगा।